हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें इसके फैक्टराइजेशन करना है। देखो, इनको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को करवाया कि आपको हर पार्ट को अलग अलग फैक्टराइज कर देना है, और फिर आपको चेक करना जो दोनों में कॉमन पार्ट है उसको कॉमन निकाल के कर लेना है। लेकिन ये मेरे हिसाब से लेंथ मेथड जो है वो काफ़ी लेंथी पड़ जाता है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने के बजाय जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, आप उस तरीके से करें तो ज़्यादा बेटर होगा आपको करने के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 1 की। हमें दे रखा है 7x - 42, और करने क्या है इसके कॉमन फैक्टर करने। जो उसके फैक्टर का मतलब होता है इसके पार्ट करना, अलग अलग टुकड़े कर देना। जैसे कि मैंने लिखा 4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 = 2, यानी कि मैंने इसके दो पार्ट कर दिए। इसे बोलते हैं फैक्टर करना। तो यहाँ पर हमें इसके फैक्टर करने हैं मल्टीप्लाई करके, मैंने मल्टीपल में होने चाहिए वो नंबर। तो करने का तरीका ये, आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें इस जिस नंबर का इसमें भी डिवाइड चला जाता है, इसमें भी डिवाइड चला जाता है, दोनों में डिवाइड जाता है 7 का। 7 के टेबल में ये भी आता है, 7 के टेबल में ये भी आता है, 7 का डिवाइड जा रहा है। तो हमें 7 को बाहर रख देना है और दोनों में डिवाइड कर देना है। जैसे 7 में इसमें डिवाइड दे, 7 × 7 एक्स है, एक्स आ जाएगा। 7 का 42 में डिवाइड दे, 7 × 6 = 42 आ गया। ठीक है, दोनों में किसका डिवाइड दे दिया, 7 का दे दिया। अगर आप वापस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x आ जाएगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 7 × 6 = 42 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे इसके कितने पार्ट होंगे, दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये वाला हो गया। आपको बस इतना देखना है, वो नंबर पहचान करनी है, ताकि इन दोनों में वो कॉमन नंबर जिसका इसमें दोनों में डिवाइड जा रहा हो। ठीक है, जैसे कि सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं, 6p - 12q। क्लियर। अब हमें देखते पता लग रहा है दोनों नंबर 6 की टेबल में आते हैं। किसकी टेबल में आते हैं, 6 में। पी और क्यू दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, तो इन दोनों में से तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता। दोनों में 6 का डिवाइड जा रहा है, तो 6 का डिवाइड देंगे। देखो, 6 का 6 में डिवाइड दिया, 6 × 1 = 6। पी का पी आ गया, 12 में डिवाइड दिया, 6 × 2 = 12। क्यू है, क्यू का क्यू आ गया। यानी वो दो नंबर ये होंगे, चाहो तो आप चेक कर लो सही गलत है। 6 को p से मल्टीप्लाई किया, 6 × 1 = 6p आ गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 = 12 आया। q का q आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर वापस यही नंबर आएगा हमारा। चीज के कौन हो जाएंगे, दोनों फैक्टर। तीसरा पार्ट देखो, 7a² + 14a, दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, 7 का, 7 लिखा। लेकिन इस बार वेरिएबल को भी देखो, पावर 2 है, पावर 1 है। हमें अगर इनके वेरिएबल भी कॉमन आ रहे हैं तो उनको भी कॉमन लेना है। लेने का तरीका, दोनों की पावर में जो लोएस्ट पावर है उसे कॉमन लिया जाएगा। 2 है, 1 है, है तो दोनों सेम, ए है, ए है। लोएस्ट पावर यहाँ पर 2 दे रखी और 1 दे रखी, दोनों में छोटा कौन है, ए है, पावर 1 है, तो एक पावर कॉमन ली जाएगी। पहले 7 का डिवाइड देंगे, 7 × 7 = 7, पावर 2 थी, एक पावर बाहर ले चुका हूँ तो अंदर अभी भी एक बचेगी। देखो, पावर हमेशा जुड़ती है, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 12 में भी बताया था। देखो, जब मैंने आपको बताया था, अगर आपका बेस सेम होता है, m और n पावर जो मर्जी हो, 2, 5, 7, तो पावर जुड़ जाती है, m प्लस में n हो जाती है। तो अगर हम कुछ कॉमन लेते हैं तो पावर जो अंदर रहेगी, यानी वो स्प्लिट हो जाती है। कहने का मतलब, 2 थी, एक बाहर हो जाती है, एक अंदर हो जाती है। वापस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस कितनी हो जाएगी, 1, 2 हो जाएगी। क्लियर। 7 में 7 का डिवाइड 14 में दिया, 7 × 2 = 14, इसके पास एक पावर थी, एक तो मैंने बाहर ही ले रखी है, तो अंदर कुछ नहीं बचेगा। अगर आप वापस इसको अंदर से मल्टीप्लाई करोगे, यही आंसर आएगा, चेक भी कर सकते हो। 7 को 1 से किया, 7 × 1 = 7, एक को ए से मल्टीप्लाई किया, पावर 1 और 1 = 2 हो गई। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 × 2 = 14, ए का ए आ गया। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन की वेरिफिकेशन आप कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। ये करने में बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है, ज़्यादा बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं बन पाता इससे। −16z + 20z³, आपको सिर्फ इतना देखना है वो कॉमन नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो। 4 के टेबल में दोनों आते हैं, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, तो 4 का डिवाइड जाएगा। इसके पास z की पावर 1 है, 3 है, दोनों में अगर z सेम हो तो हमें लोएस्ट पावर लेनी है। 1 है, 3 है, तो लोएस्ट कौन है, 1 है, तो 1 कॉमन लेंगे। अब 4 में 16 का डिवाइड दिया, 4 × 4 = 16, माइनस है, माइनस लगा दिया। इसके पास 1 है, 1 तो मैं ले चुका बाहर, तो अंदर तो नहीं आएगा।
फोर का इसमें डिवाइड दिया, फोर फाइव ज़ा 20, फोर तो चलो डिवाइड तो दे दिया, जेड की पावर 3 है, एक बाहर ले चुका, अंदर अभी भी कितने बचेंगे 2। अब चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका आंसर यही निकल के आएगा। क्लियर? हमारा पार्ट नंबर 5 देखो, 20 एल स्क्वायर एम 30 ए एल एम, दोनों के दोनों नंबर 10 की टेबल में आते हैं, 10 टू से 20, 10 थ्री से 30, 10 का डिवाइड हो जाएगा, इसमें एल की पावर 2 है, 1 है, मैंने बोला लोएस्ट पावर लेनी है यानी एल लेंगे, एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, पावर 1 है, पावर 1 है, लोएस्ट पावर है, अगर दोनों ही सेम है तो एम की पावर 1 ही हो जाएगी, ए इसमें है बट इसमें नहीं है तो मत लो, दोनों में सेम होने चाहिए, वही नंबर लेना है। 10 का टेबल 20 तक पड़ा, 10 टू जा 20, पावर 1 बाहर ले ली, यहाँ 2 है, अंदर अभी भी 1 बचेगा, एम है, एम है बाहर ले चुका, एम नहीं आएगा, प्लस है तो प्लस, 10 का टेबल 30 तक, 10 थ्री जा 30, ए है बाहर नहीं है तो ए रह जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर एल था, देखो पावर 1 है मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, पावर 1 है वो भी मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 10 एल एम इन टू में 2 एल प्लस में 3 ए, हमारा आंसर हो जाएगा 10 एल एम इन टू में 2 एल प्लस में 3 ए। ये हमारा पार्ट नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 6, इसमें दे रखा 5 एक्स स्क्वायर वाई 15 एक्स वाई स्क्वायर, देखो दोनों में डिवाइड जा रहा है 5 का, 5 की टेबल में आता है, ये भी 5 की टेबल में आता है, चलो 5 लिखा, पावर 2 है पावर 1, मैंने बोला पावर लोएस्ट लेनी है, 2 है 1 है तो लोएस्ट पावर कौन है 1, पावर 1 है 2 है लोएस्ट पावर कितनी है 1, 5 का 5 में डिवाइड दे 5 वन जा 5, पावर 2 थी 1 तो बाहर ले चुका, अंदर 1 बची है, पावर 1 थी 1 ही बाहर ले चुका, नहीं बचेगा कुछ भी, 5 का डिवाइड दे 15 में 5 थ्री जा 15, 1 है 1 ले चुका नहीं आएगी, 2 है जिसमें से 1 पावर बाहर आ चुकी है तो अंदर कितनी बचेगी, सिर्फ 1 पावर बचेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5xy ब्रैकेट x माइनस में 3y। क्लियर? अब डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 7, जिसमें दे रखा है 10 ए स्क्वायर माइनस 15 बी स्क्वायर प्लस 20 सी स्क्वायर, ये नंबर है। क्लियर? अब इस नंबर में देखो ये भी 5 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में 5 की टेबल में यानी 5 का डिवाइड तो तीनों में जाएगा, ए स्क्वायर इसमें है बट इसमें नहीं है, सी स्क्वायर इसमें बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यानी कि वेरिएबल तीनों में सेम नहीं है तो वेरिएबल को नहीं लिया जाएगा। 5 में 10 का डिवाइड दिया, 5 टू ज़ा 10 ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर आ गया, 5 थ्री ज़ा 15 बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर आ गया, 5 फोर ज़ा 20 सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर आ गया, तीनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ, 5 को 4 के साथ, आपका आंसर वापस सेम यही आ जाएगा। क्लियर? ये हमारा 7वां पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 8। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 8 में देखो, 4 में भी 4 का डिवाइड जा रहा है, 4 का इसमें भी जा रहा है, 4 का इसमें जा रहा है, चलो 4 ले लिया, इसमें ए की पावर 2 है, 1 है 1 है, तीनों में सेम होगी तो ही कॉमन लिया जाएगा, सेम होगी फिर देखना क्या लोएस्ट पावर लेनी है, ठीक है, पावर 1 है 1 है 2 है तो लोएस्ट पावर कितनी 1 है, 1 ली जाएगी कॉमन, 4 में 4 का डिवाइड दे 4 1 जा 4, माइनस है तो माइनस ले लिया, पावर 2 है 1 बाहर ले चुका हूँ, अंदर अभी भी 1 बचेगी। क्लियर? 4 का इसमें डिवाइड दिया, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर थे, 1 बाहर थी 1 अंदर रह गया, 4 का इसमें डिवाइड दे 4 1 जा 4, यहाँ पर ए मैंने कॉमन ले लिया, कितना बच गया बी बच गया, फिर 4 का इसमें डिवाइड दिया 4 1 जा 4, ए था मैंने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया सी, तो हमारे फैक्टर कौन हो जाएंगे 4 ए इंटू में माइनस 1 ए प्लस 1 बी माइनस 1 सी, 1 लगाना है तो लगाओ, ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस वेरिएबल के आगे कुछ नहीं होता 1 तो कन्फर्म होता ही होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 9, जिसमें देखो एक्स वाई जेड तीनों में वेरिएबल तो सेम है बट हमें कॉमन लेने का तरीका क्या लेना है, यहाँ एक्स पावर 2 है, 1 है 1 है, मैंने कहा था जो पावर लोएस्ट होगी 1 है 1 है तो कॉमन 1 ली जाएगी, y की पावर 1 2 और 1 कुछ नहीं तो 1 मानी जाएगी तो लोएस्ट पावर कितनी है 1, 1 कॉमन लेंगे, z की पावर 1 1 2 है पावर कितनी कॉमन लेंगे 1, यानी तीनों में से 1 2 3 तीनों में से x की पावर 1 y की पावर 1 z की पावर 1 कॉमन लेनी है हमें, यहाँ 2 थी 1 बाहर आ गई मतलब अंदर अभी भी 1 बाकी है, y की पावर 1 थी बाहर आ गई z की पावर 1 थी बाहर आ गई। क्लियर? प्लस का निशान है प्लस लगाया,
एक्स की पावर 1 थी, बाहर आ गई, वाई की पावर 2 थी, एक बाहर आ गई, अंदर अभी भी एक बचेगी, जेड की पावर 1 थी, बाहर आ गई, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं बचेगा। तीसरा देखो, एक्स की पावर 1 बाहर आ गई, वाई की पावर 1 बाहर आ गई, जेड की पावर 2 है, एक बाहर आई, अभी भी अंदर एक बची हुई है। तो यानी कि हमारा जो फैक्टर होगा एक्स वाई जेड इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके साथ, फिर वाई के साथ, फिर जेड के साथ, वापस आंसर हमारा यही आ जाएगा। क्लियर। पार्ट नंबर 10 देखो, ए एक्स स्क्वेयर वाई बी एक्स वाई स्क्वेयर सी एक्स वाई जेड, तीनों में वेरिएबल वेरिएबल है, कैसे कॉमन लेंगे? देखो ए इसमें है, इन दोनों में नहीं है, बी इसमें, इन दोनों में नहीं है, सी इसमें, तीनों में नहीं है। एक्स देखो अब इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लोएस्ट पावर देखनी है, एक एक दो, सबसे कम कितनी, एक, एक कॉमन लेंगे, वाई की पावर 1 2 और 1, लोएस्ट कितनी है 1 कॉमन लेंगे, ए था ए का ये आ गया, पावर कितनी है 2 है, जिसमें से एक तो मैं बाहर ले चुका हूँ, दो में से अभी भी कितनी बची हुई है, एक बची हुई है, वाई की पावर 1 बाहर आ चुकी है ऑलरेडी, बी है, बी का भी आ गया, एक्स की पावर 1 बाहर ले चुका, वाई के पास 2 थी, एक बाहर आ गया, अंदर अभी भी एक बची हुई है, एक्स सी एज इट इज आ गया, एक्स की पावर 1 बाहर आ गई, वाई की पावर 1 बाहर आ गई, कितना बच गया जेड, यानी यानी इसके फैक्टर जो होंगे वो एक्स वाई इंटू में ए एक्स बी वाई सी जेड होगा। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।